Hyderabad International School, CBSE plus exceed syllabus which is followed in 8 countries, modern plus Islamic education, 5-step activity based and play way method, launching separate. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका खैर मकदम है A18 तेलंगाना न्यूज़ पर। आज 15 जुलाई थर्सडे का दिन है, आए नाज़रीन देखते हैं इंटरनेशनल और नेशनल की खास खबरें। इंडिया में फिर से अचानक कोविड के केसेस में बढ़ावट आई है। कल के मुकाबले आज कोरोना के केसेस में 7% ज़्यादा दर्ज हुए हैं। पूरे मुल्क में पिछले 24 घंटों में 41,806 नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं और 541 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस केरला में 15,637 आज के दिन दर्ज हुए। पिछले साल अमेरिका में 93,000 शहरियों ने अपनी जान ड्रग्स के ओवरडोज से गंवा दी है। इस कोरोना की महामारी के बीच अमेरिका की हुकूमत चाशंबे के दिन बताया। जानकारों का मानना है कि इस कोरोना की महामारी और लॉकडाउन के सबक जो ड्रग्स के आदि है उन लोगों को ढंग से इलाज नहीं मिला हो सकता है और इसी वजह से इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने गए साल अपनी जान गंवा दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रामन्ना ने आज बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट की अटॉर्नी जनरल से कहा कि ये सेडिशन का कानून है, ये एक अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून है। ये कानून अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया था और अब आज़ादी मिलने के 75 साल के बाद भी ये कानून क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, और बताया ये कानून मुल्क के लोगों की आज़ादी को दबा देता है। इसका एक उदाहरण देते हुए कहा, अगर कोई पुलिस वाले को एक नागरिक को कहीं गांव में फंसा देना है तो वो पुलिस वाला ये 124A सेक्शन इस्तेमाल करते हुए वो नागरिक को डराने के लिए ये कानून का गलत इस्तेमाल कर सकता है और इसे नागरिकों की आज़ादी पर सवाल और निशान उठाते हैं। CJI और कहा कि हम किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। आप लोग सब देख सकते हैं कि कैसा सेक्शन 66AIT एक्ट लगाकर मासूम लोगों पर जुल्म किया जाता है। चीफ जस्टिस ने सेंट्रल गवर्नमेंट की अटॉर्नी जनरल को ये भी कहा, तुम्हारी हुकूमत जो कानून ज़्यादा असरदार नहीं है उसे कैसा निकाल देती है, मगर अभी तक ये सेडिशन को का कानून क्यों नहीं देखी है। अरब मुल्कों में UAE पहला मुल्क बन गया है जो इसराइल की एम्बेसी का आज इख्तिताम किया। एक साल के अंदर ही UAE ने भी अपना डिप्लोमेटिक ऑफिस इसराइल में खोल दिया था, जब दोनों मुल्कों ने एक साथ काम करने का फैसला किया था। सऊदी अरब के मौसम के जानकारों का मानना है इस साल हज बहुत मुश्किल रहेगा हाजियों के लिए, क्योंकि गर्म धूप का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहेगा महशर के इलाके में। इंडिया के विकेट कीपर ऋषभ पंत कोरोना पॉजिटिव हुए UK में और वो पिछले 8 दिनों से होम आइसोलेशन में हैं। फिलवक्त ऋषभ पंत टीम इंडिया के साथ दुरहम के दौरे पर भी नहीं जा सकते। USA के फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने कहा, अमेरिका अपनी आर्मी को अफगानिस्तान से उठा लेना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है अफगानी शहरियों के लिए, क्योंकि तालिबान ने अपने कदम मजबूत कर लिए हैं अफगानिस्तान के कई इलाकों में और अपना कब्जा शहरियों और अफगानिस्तान की आर्मी पर जमा लिया है। After successfully spreading education since 12 years, renowned educationalist Mr. Partha Sarthi, Director Success Junior College brings you Success Junior College for Girls affiliated to Board of Intermediate, Success Degree College for Women affiliated to Osmania University. Latest educational infrastructure, fully furnished and sanitized AC classrooms, spacious computer lab and science lab where you can engage your passion with respect and encouragement. Management are themselves faculty along with other senior faculty members. Courses offered for degree students, BSc NZC Nutrition, BSc BZC, BBA, BCom Computers, BCom General. Courses offered for intermediate students, MPC, JEE and MCET, YPC, NEET and MCET.
MEC CA CMA, CEC CA CMA, CEC computer and regular, 100% scholarship assistance, transport facility available. Hurry up, admissions are open. Success Junior College for Girls, Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.